नमस्कार दोस्तों, वन लेडीज टेलर में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि नाइटी कैसे फिटिंग करते हैं, क्योंकि सबका मेजरमेंट एक नहीं होता है। और मार्केट में आप लोग तो जानते हैं कि नाइटी बड़ा साइज का ही मिलता है, तो सबको नहीं फिटिंग हो पाता है। तो मैं आप लोगों को नाइटी, देखिए हम मार्केट गए थे और ये नाइटी अपने लिए लाए हैं, मगर बड़ा हो रहा है थोड़ा। इसको कैसे फिटिंग करें? हमको बाजू छोटा चाहिए, थोड़ा फिटिंग चाहिए, तो कैसे फिटिंग करें वो आज इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगी। अगर चैनल पे नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसको पहले हम नाइटी को उल्टा कर लेते हैं। तो हम पहले ये बांह को अलग कर लेंगे। ऐसा पूरा निकाल लेंगे। तो देखिए, हम ये बांह को अलग कर दिए हैं। फिटिंग करने के लिए बांह को निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो सेफ कटिंग जो करेंगे ना वो इधर से उधर हो जाएगा। अब अपना मेजरमेंट देख लीजिएगा, कितना है आपका लंबाई, कितना आपको चाहिए। बाद में नाइटी को अच्छे से ऐसा मोड़ दीजिएगा। आपको कितना लंबाई चाहिए? हम इसको कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इधर, हमको 1 इंच 2 इंच जितना अधिक होगा मैं इधर ही फोल्ड कर दूंगी ऐसा। और नीचे का भी अगर बराबर रहेगा तो कटिंग करने की जरूरत नहीं है। मगर इधर ऊपर का देख लीजिएगा, चौड़ाई आपको कितना चाहिए, सीना चौड़ाई। मुझे 11.5 चाहिए, मैं सेप बना लेती हूँ सूट की तरह। जैसे सूट का सेप होता है, ऐसा कर लेते हैं। आठ इंच चौड़ाई कर लेती हूँ कंधे का। ये हमारा सेफ हो गया है, इसको हम कटिंग कर लेंगे।
ये है नाटी का सेट ले ली हूँ मैं। तो ये बाँह है नाइटी का, अगर आपको इतना ही लेंथ चाहिए तो नहीं कटिंग करिएगा, अगर छोटा चाहिए तो इसको हम कटिंग कर लेंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही चाहिए तो थोड़ा कट कर लेती हूँ। आउटलाइन कर लेते हैं, थोड़ा डबल सिलाई कर लेते हैं, बाद में फिटिंग करने के बाद अच्छा से नहीं हो पाता है तो कटिंग में तो अच्छा से कर लेते हैं। इस साइड का भी कर लेते हैं फिटिंग डबल सिलाई। तो ये कंधा सिलाई कर ली हूँ मैं, अब इसमें बाँह जोड़ेंगे। देख लेते हैं, छोटा तो नहीं होगा बाँह। इसको डबल सिलाई दे देती हूँ, बाद में Thank you.
जोड़ लेते हैं इसमें। है आप थोड़ा मोड़ दीजिएगा, आपको डबल चाहिए तो डबल मोड़िएगा, हम भी डबल मोड़ देते हैं। दूसरे बांह को भी मोड़ लेना है। अभी हमारा बांह हो गया है। आपका बांह कितना चौड़ाई है उतना चौड़ाई लेकर के तो हमने इधर 6 इंच का शेप ली हूँ। आप कितना कपड़ा पकड़ के कटिंग करते हैं उतना इधर कट पकड़ लेना। 1.5 इंच में पकड़ती हूँ। ऐसे ही इधर का भी कर लेते हैं फिटिंग।
6 इंच और 1.5 इंच। निशान बना लेते हैं कि फिर इधर से उधर नहीं होता है, बराबर फिटिंग आता है ना। फिटिंग हो चुका है, देख लीजिए अपने साइज। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरा नाइटी फिटिंग हो गया है। ऐसे ही अपनी फिटिंग कट करके सेव करके अपना फिटिंग का नाइटी बना सकते हैं। अगर थोड़ा लॉन्ग होगा तो इधर डबल मोड़ देंगे, अच्छा रहेगा। और ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। और आगे की वीडियो में मैं ऐसे ही थान के कपड़ा खरीद के लाऊंगी और आप लोगों को पूरा एकदम अच्छा से मेजरमेंट करके नाइटी कैसे सिलते हैं घर पे ही, आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगी।